संबित पात्रा ने हाल ही में कहा कि भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं। सही सुना आपने दोस्तों, भगवान को ही मोदी का भक्त बना दिया। मोदी को भक्त जगन्नाथ। इतना ही नहीं, इससे पहले 2017 में संबित पात्रा ने कहा था कि मोदी इस देश के बाप है। तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों मोदी के सपोर्टर्स को इन बातों से कोई आपत्ति होगी। अगर आपत्ति होनी होती तो तभी हो जाती जब नवंबर 2023 में बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल ने इस फोटो को ट्वीट किया था। नरेंद्र मोदी को शेषनाग के साथ दिखा दिया और लिखा, ओम श्री वेंकटेश्वर राय नमो नमः। आपत्ति होनी होती तो तभी हो जाती जब बीजेपी कर्नाटका ने इस फोटो को ट्वीट किया था। और बीजेपी नेता शोभा करण दलाजे ने इस फोटो को ट्वीट किया था जिसमें नरेंद्र मोदी को भगवान राम से भी बड़ा दिखा दिया। मेरी मोदी भक्तों से अपील है, जब आप लोगों ने अपना एक नया भगवान चुन ही लिया है तो मोदी पंथ नाम से एक अलग रिलीजन भी बना लो ना अपना। हिंदू धर्म के साथ क्यों खिलवाड़ करते हो? दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हंगामा करती हैं तो बीजेपी वाले इन ट्वीट्स को डिलीट करते हैं। अब संबित पात्रा ने भी इस वीडियो को लेकर कहा कि जुबान फिसल गई थी, मुझे माफ कर दो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये वाकई एक स्लिप ऑफ टंग है? जुबान एक बार फिसलती है, ये नहीं कि बार बार जुबान फिसलती रहे और बार बार आप लोग नरेंद्र मोदी को भगवान से बड़ा बनाते रहो। बार बार आप लोग ये कहते रहो कि नरेंद्र मोदी तो देश के बाप हैं,